हेलो बच्चों, ये क्लास 6 की बुक है साइंस की। तो आज से आपको हम साइंस पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे क्लास 6 में हैं वो अपनी बुक ओपन कर लें और आज से उनको हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके। तो बच्चों, चैप्टर 1 है फूड, भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द फूड वी ईट एवरी डे, जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत सी वैरायटी, बहुत से प्रकार के भोजन होते हैं जो हम प्रतिदिन उनका उपयोग करते हैं। दिस वैरायटी इज ड्यू टू द डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड, ये जो इनमें भिन्नता होती है, ये जो है बहुत बहुत ही प्रकार के पौधों से और उनके भोजन से हमें प्राप्त होती है। एंड द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर देम, और इनको प्रिपेयर करने में जो बहुत प्रकार की चीजें, मसालों, तेल और जो भी चीजें यूज होती हैं, उनके कारण से हमें विभिन्न प्रकार के टेस्टी फूड मिलते हैं। वी ईट डिफरेंट मील्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, हम एक दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग 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 प्रकार के भोजन करते हैं। जैसे सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच में अलग भोजन करते हैं, डिनर में अलग करते हैं। तो ये जो भिन्नता होती हैं ये हमें विभिन्न प्रकार के फूड से मिलती हैं। अ मील कैन बी डिफाइंड एज द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, एक भोजन के प्रकार को हम उसके दिनों के जो हिस्से होते हैं, जो जो समय पे हम करते हैं उसके हिसाब से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम सुबह में नाश्ते में कुछ अलग लेते हैं, दोपहर को लंच में कुछ अलग भोजन करते हैं, शाम को डिनर करते हैं तो उसमें हम अलग करते हैं। तो ऐसे ही हम भोजन के प्रकार को उनके दिनों के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से उसको हम डिफाइंड कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर कॉमन मील्स ऑफ द डे, ये तीन जो है हमारे मुख्यतः कॉमन मील्स होते हैं जो हम दिन में करते हैं। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को डिनर, ये जो है हमारे कॉमन मील्स हैं जो हम दिन में करते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड्स, भोजन में, भोजन बनाने में यूज होने वाले तत्व। देयर सीम्स टू बी सो मच वराइटी इन द फूड दैट वी ईट, जो हम भोजन करते हैं उसमें हम बहुत प्रकार की मील्स को देखते हैं, बहुत प्रकार के भोजन, बहुत प्रकार के जो है उसमें जो क्रॉप्स जो उससे मिलते हैं उनको हम देखते हैं। वट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, द फूड दैट वी ईट इज मेड ऑफ वेरियस इंग्रीडियंट्स, जो हम भोजन होता है वो बहुत प्रकार के चीज़ों से मिलकर, तत्वों से मिलकर बना होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें का एक संयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, चपाती इज मेड ऑफ वाटर, फ्लोर एंड वाटर, ऐसे उदाहरण है हमारे जो रोटी होती है वो जो है आटे की और पानी की और जो है गेहूं के जो है मिश्रण से ही उसका बनना संभव हो पाता है। सिमिलरली, टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल करी वी नीड मैनी इंग्रेडिएंट्स सच एज वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर, जैसे कि सब्जी बनाने वाली जो है रेसिपी होती है उसमें भी हम बहुत सी चीज़ों का
यूज करते हैं जिससे उसका बनना संभव हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल है वेजिटेबल्स, सब्जियां, साल्ट, नमक, स्पाइसेस, मसाले, ऑयल, वाटर, ये हमारे जो है मुख्यतः चीज़ें होती हैं जिनके सहयोग से, जिनके उपयोग से ही सब्जी का बनना या भोजन का बनना संभव हो पाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट्स, पौधे और जानवर, ये दोनों मुख्यतः हमारे मुख्य सोर्स हैं भोजन के। सेरेल्स लाइक राइस, व्हीट एंड मेज, पल्सेस लाइक मूंग एंड ग्राम। सेरेल्स मीन्स अनाज, अनाज लाइक राइस, चावल, गेहूं और ये जो है भुट्टे। पल्सेस लाइक दालों में मूंग दाल, अरहर दाल, और फ्रूट में जो है फलों में एप्पल, मैंगो, वेजिटेबल्स, और सब्जियों में पोटैटो, या प्लांट, इटीसी आर गिवन टू अस बाय प्लांट्स। ये सब जो है हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। फूड आइटम लाइक मिल्क, एग्स, फिश, चिकन, एटीसी आर ऑब्टेंड बाय एनिमल्स। और जो हमारे भोजन में आते हैं जैसे दूध है, अंडे हैं, मछली है, चिकन है, ये सब जो है हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक फिगर दिया गया है, उसमें आपको देखिए ये जो है हमारी अनाज हैं, ये हमारी जो है सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे फ्रूट्स हैं, और ये सब जो है प्लांट से मिलते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, ये सब जो है हमें प्लांट से ही मिलते हैं, जितने यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। जो नीचे फिगर दिया गया है फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये जो है हमें जानवरों से मिलते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है मीट्स हैं, चिकन हैं, ये सब जो है हमें जानवरों से मिलते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से मिलने वाले भोजन। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। हरे पौधे जो हैं मुख्यतः प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपने लिए भी भोजन बनाते हैं और हमारे लिए भी भोजन का स्रोत होते हैं। प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे जो होते हैं वो सूर्य की किरणों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से और क्लोरोफिल के संयोग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स पार्ट सर्व एज सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। पौधों के बहुत विभिन्न प्रकार के हिस्से जो है हमारे भोजन के लिए यूजफुल होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरल्स एंड पल्सेस दैट वी ईट आर ऑब्टेंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो हम अनाज का, सब्जियों का, दालों का, ये जो हमारे फूड्स आइटम होते हैं मेनली, ये जो है प्लांट के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि रूट्स, जड़ें, रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट एंड गार्लिक आर सम रूट्स दैट वी ईट। रूट में हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे मूली, शलजम, आपका जो है गाजर, और गार्लिक, जैसे कि आपका जो है लहसुन, ये सब जो है जड़ों के प्रकार में आते हैं, जो जड़ों के संबंधी होते हैं, इनका यूज हम अपने भोजन में करते हैं। ऑल दीज रूट्स हैव फूड स्टोर्ड इन देम। ये सारे जो है जड़ें होती हैं, इनमें भोजन का संग्रह रहता है। गार्लिक, लहसुन, कैरेट, गाजर, बीटरूट, चुकंदर, ये सब जो है हमारे
जड़ों के प्रकार में पाए जाते हैं। जड़ों के हिस्सों में इनका संग्रह रहता है, स्टेम्स, तने। स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटन। बहुत से पौधों की जो तने होते हैं वो भी भोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि द स्टेम ऑफ सुगर केन प्लांट इज ईटन एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक सुगर। जैसे कि जो गन्ने के पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं उनका यूज हम शुगर, चीनी बनाने में करते हैं। पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज यूज एज अ कॉमन वेजिटेबल्स। जो आलू होता है वो तने का ही एक प्रकार होता है जो अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, और ये जो है सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। ओनियन एंड जिंजर आर बल्ब्स दैट आर एक्चुअली स्टेम्स ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड। हमारे जो प्याज होती हैं वो भी जो है जमीन के नीचे पाए जाने वाले बल्ब के प्रकार के तने का ही एक रूप होता है, जो हमारे जो है भोजन में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए शुगर केन में फोटो दी गई है, गन्ने की फोटोज हैं, पोटैटो में आलू की जो है ये फोटो है, ओनियन ये आपका जो है क्या, ये आपका जो है तने का ही प्रकार है, ये आपका जो हो गया जिंजर, ये अभी आपका जो है अदरक, ये आपका जो है तने का ही एक प्रकार है। तो बच्चों आज आपको हमने चैप्टर 1 का जो है 4 पैराग्राफ करा दिया है। अब इसके आगे की जो है वीडियोस आपको जो है नेक्स्ट डे में मिलती रहेंगी। तो जो बच्चे ये चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं वो एक बार ध्यान से चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लें, और जहाँ पे उनको डाउट आए वो जो है एक बार कमेंट कर दें, तो उनको जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको हम समझा देंगे। ओके बच्चों, ठीक है।